तो आज की इस वीडियो में मैं माइन करने वाला हूँ 10,000 ब्लॉक्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और इस माइनिंग के हमारे मेन गोल होने वाले हैं डायमंड्स। तो इसलिए मिले हुए डायमंड्स को मैं माइन करूंगा फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स से। और गाइस, इस वीडियो को बनाने में मेरे को 12 आवर्स से भी ज़्यादा का टाइम लग चुका है, इसलिए वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। तो चलते वीडियो की तरफ को। तो गाइस, अभी मैं सबसे पहले लाइब्रेरियन के पास आया हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से चाहिए थी अनब्रेकिंग 3 की बुक, तो यहाँ से मैंने ले लिया। और मेरे को ना 10,000 ब्लॉक्स माइन करने के लिए मतलब अच्छी 2-3 पिकैक्स चाहिएगी, तो वो भी मैं अभी बनाने वाले हूँ। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ी बहुत फूड की भी कमी है, तो यहाँ से मैं गोल्डन कैरेट जो है वो ट्रेड कर लेता हूँ इससे। तो ये तो मैंने ले लिया, अब चलते हैं अपने बेस की तरफ वापस। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सी पिकैक्स में अपनी अनब्रेकिंग 3 लगाने वाला हूँ। अभी मेरे को सबसे पहले अपने एन्चेंटमेंट रूम में जाना पड़ेगा, तो चलते हैं जल्दी से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आ गया, कुछ खाने को दे दे, ये खा के रखा है इतने दिन से। नहीं तो अब जल्दी से चलते हैं अपने एन्चेंटमेंट रूम में। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेरी पिकेक्स है ना दोनों, ये वो वाली पिकेक्स है, अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ टाइम पहले एनसीटी लूटी थी, तो ये मेरे को दोनों पिकेक्स डायमंड की वहाँ से मिली थी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो दोनों पिकेक्स है मैं अभी इनको अपनी इन्वेंटरी में ही रखने वाला हूँ, पर अभी मैं माइन करूँगा अपनी नेदरराइट की पिकेक्स से। जब मेरी नेदरराइट की पिकेक्स जो है वो टूटने की हालत में आई अगर, तब मैं इन दोनों पिकेक्स को निकालने वाला हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं माइन जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से करने वाला हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मेरे को अपनी नेदरराइट की पिकेक्स बाहर निकाल लेता हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि अभी मैं शुरुआत में इसी से माइन करने वाला हूँ। और ये जो बैरल देख रहे हो ना आप मेरी सीक्रेट वाली, मेरे को इसके एकदम नीचे वाला ब्लॉक जो है वो तोड़ लेना है, और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ -58Y कोऑर्डिनेट्स पर। तो जल्दी से चलते हैं। सो फाइनली गाइस, मैं आ चुका हूँ -58Y कोऑर्डिनेट्स पर। अब मेरे को यहाँ से जाना है, मतलब अगर आप मेरे एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स देखो तो वो है -512X कोऑर्डिनेट्स। तो अब मेरे को इनको करना है 10,512 माइनस में कोऑर्डिनेट्स, तभी हमारे होंगे स्ट्रेट लाइन में 10,000 ब्लॉक्स माइन। तो अगर आप मतलब ध्यान से देखो तो मैं एक बार में 2 ब्लॉक्स माइन कर रहा हूँ, तो ये ऑलमोस्ट हमारे मतलब 20,000 ब्लॉक्स हो जाएंगे। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं माइनिंग को। और मैं आपको सारा पार्ट तो नहीं दिखाने वाला, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊंगा, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो इसलिए मैं मेन मेन पार्ट आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब जल्दी से अपनी जो माइनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, थोड़ी सी आगे आते ही मेरे को देखो क्या मिला। तो मेरे को मिल चुके अपने फर्स्ट डायमंड्स इस माइनिंग के। तो अभी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, इसको मैं जल्दी से माइन करने वाला हूँ सिल्क टच वाली पिकैक्स से। तो अब चेक करते हैं कितने डायमंड्स है। तो यहाँ से 2 हो गए और ये भी है, तो 4 हो गए। अब मैं इसको भी माइन कर लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से 6 डायमंड्स है। इसके नीचे है क्या देख लेता हूँ। हाँ, तो मेरे को मिले हैं अभी 6 डायमंड्स, और फॉर्चून 3 से जब इसे हम तोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से 12-13 तो हो ही जाएंगे। तो अभी जल्दी से अपनी जो माइनिंग है वो हम कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, कुछ और दूर आने के बाद मेरे को दोबारा से मिल चुके हैं डायमंड्स। तो ये चेक करते हैं ये कितने डायमंड्स होने वाले हैं। तो इसे तोड़ लेता हूँ जल्दी से। भाई ये क्या बदतमीजी भाई, एक ही डायमंड। अरे नहीं नहीं नहीं, और है यार। तो अभी ये चेक करते हैं हम कितने हैं। तो यहाँ से 2 और मिल गए मेरे को यार, फिर भी 3 कम है यार। इतने कम कम डायमंड्स देंगे तो कितने कैसे काम चलेगा यार। और गाइस, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, तो ये जो डायमंड मैं माइनिंग कर रहा हूँ ये भी मैं किसी एक प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूँ, तो वो प्रोजेक्ट भी जल्दी आएगा। तो गाइस, अभी क्या हुआ है, मैं आपसे बात कर ही रहा था और मैंने थोड़े बहुत ब्लॉक्स माइन करे और यहाँ से मेरे को दोबारा से डायमंड मिल चुके हैं। तो इसको भी देख चेक करते हैं कि कितने हैं ये। तो यहाँ से 4 तो हो चुके हैं और 8 तो मेरे को दिख ही रहा है, और तो नहीं है भाई। मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम 8 ही मिलते हैं ना शायद। तो अभी मेरे को मिल चुके हैं 8 और, तो इसको मैं जल्दी से ब्लॉक कर देता हूँ, अपनी और माइनिंग कंटिन्यू करते हैं हम। सो गाइस, फाइनली इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अभी मैंने सिर्फ माइन करे है 1000 ब्लॉक्स। तो इसी में भाई हालत ख़राब हो गई, और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी मेरे को मिले हैं 49 डायमंड के ओर्स। तो अभी तक तो माइनिंग तो अच्छी जा रही है हमारी। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना अगर अब तक नहीं करा, तो भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो अब जल्दी से चलते हैं और अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, फाइनली मैंने माइन कर लिया है 5000 ब्लॉक्स, और अभी इतने और मेरे को माइन करने हैं, और इतने ब्लॉक माइन करने में भाई हालत ख़राब हो चुकी है। और डायमंड माइनिंग की बात करूँ तो अब तक तो हमारी सही जा रही है, तो अभी मेरे को अपनी माइनिंग जो है वो वापस कंटिन्यू करनी है। तो अभी मैं ये ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं अपनी माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं आपको मिलूंगा सीधा 10,000 ब्लॉक्स कंप्लीट होने पर।
अच्छा सो गाइस फाइनली मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने माइन कर ही लिए भाई 10,000 ब्लॉक्स, और इसको माइन करने में जो हालत ख़राब हुई है ना भाई, तो अभी आप भी करके देखना, आपको पता चलेगा भाई कितना ज़्यादा टाइम लगता है इसको माइन करने में। पहले मैंने सोचा था थोड़ा आसान होगा, पर इतना भी आसान नहीं है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ से बनाने वाला हूँ एक डायमंड का ब्लॉक। तो इस डायमंड का ब्लॉक का सबसे पहले बना लेता हूँ, और ये जो डायमंड्स है ये मेरे पास मतलब गलती से जो मेरे से फॉर्चून से टूट गए थे, तो ये वो वाले हैं, तो उसी से मैंने एक डायमंड का ब्लॉक बनाया है। तो अभी आप वीडियो छोड़ के कहीं जाना मत, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे को कितने डायमंड मिले हैं, और इस ब्लॉक को मैं लगाने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़े ब्लॉक लगा लेता हूँ, क्योंकि हमें जाना था सिर्फ 512 तक और मैं ज़्यादा आगे आ गया था। तो ये है 512th ब्लॉक, तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ एक डायमंड का ब्लॉक। मुझे पता है यहाँ पे मैं पता नहीं दोबारा आऊँगा या नहीं, फिर भी यार एक मैं लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक साइन बोर्ड भी लगा दिया जहाँ पे लिखा है 10,000 ब्लॉक्स माइंड बाय विजी गेमिंग। तो अब जल्दी से चलते हैं और देखते हैं, हम यहाँ से वापस भी जाने वाले हैं। तो यहाँ से मैं जाने वाला हूँ नेदर पोर्टल के थ्रू वापस। तो अब मेरे को यहाँ से सबसे पहले बाहर निकलना है, तो जल्दी से ऊपर चलता हूँ। सो गाइस फाइनली इतने दिनों के बाद मेरे को बाहर का नज़ारा देखने को मिला है, और भाई बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है मेरे को बाहर आके। अंदर भाई इतना मतलब ऐसा लग रहा था ना, केव केव सी थी। तो अब जल्दी से मैं यहाँ से एक नेदर पोर्टल बना लेता हूँ, और यहाँ से चलते हैं हम वापस अपने बेस पर। सो गाइस फाइनली वी आर बैक। तो अब मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे वापस आके, भाई इतने दिन से वहाँ पे रह के ना माइनिंग में भाई हालत ख़राब हो रही थी। तो अब जल्दी से हम वापस तो आ ही चुके हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, अभी यहाँ से जहाँ से मैं नीचे गया था ना, इसको भी थोड़ा मैं कर देता हूँ, कुछ यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ, ताकि यहाँ से मैं नीचे ना गिर जाऊँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या करा, एक गोल्ड ब्लॉक लगा के इसके ऊपर भी लिख दिया है 10,000 ब्लॉक्स माइंड इन अ स्ट्रेट लाइन बाय विजी गेमिंग। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को कितना सामान मिला है। तो यहाँ से जल्दी से सबसे पहले बाहर चलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ शल्कर बॉक्स खोल के अपना कि मेरे को कितने डायमंड्स और मिले हैं। तो चलते हैं जल्दी से। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने शल्कर निकाल लिया, और इसमें देखो तो यहाँ से मेरे को मिले हैं टोटल मतलब ऑलमोस्ट 7 stack के आसपास मेरे को डायमंड के और मिले हैं। तो मेरे हिसाब से तो माइनिंग सही ठीक ठाक गई है, इतने भी ज़्यादा कुछ नहीं मिले। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से इसे मैं एक टावर बना के माइन कर लेता हूँ, और आप इंजॉय करो एक टाइम लैप्स। सो गाइस सारे डायमंड्स मैंने माइन कर लिए, जैसा कि आपने टाइम लैप्स में देख लिया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को टोटल माइनिंग से कितना सामान मिला है। तो इस शल्कर के पास आते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर है बहुत ज़्यादा डीप स्लेट, और इसमें भी थोड़ा बहुत डीप स्लेट है, और भी कुछ सामान है। और अगर मैं आपको अंदर जाके चेस्ट दिखाऊँ, तो उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा डीप स्लेट जो है वो रख दिया है। तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे रखा, तो मैंने थोड़े बहुत शल्कर जो है वो खाली करे है, क्योंकि मैंने जब फॉर्चून 3 से माइन करा डायमंड को तो ज़्यादा हो गए ना, तो मेरे को शल्कर की ज़रूरत थी उसको रखने के लिए। तो अब जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। और मैंने ब्लॉक्स में रख रखा था रेडस्टोन वगैरह को, उसको भी मैंने शल्कर में रख दिया है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे लैपिस लजूली और आयरन और थोड़ा बहुत रेडस्टोन, तो इसमें ये सब है। और मैं आपको अब दिखाता हूँ अपना जो इसमें दिखाऊँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा रेडस्टोन है, तो रेडस्टोन सबसे ज़्यादा मिला। और मैंने भाई अगर मैं सारा रेडस्टोन कलेक्ट करता ना, बहुत ज़्यादा शल्कर बॉक्स मतलब भर जाते, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेडस्टोन पड़ा था। तो अब जल्दी से मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, इसमें हमारे फाइनल मेन डायमंड्स। तो इसके अंदर अगर हम चले तो इतने मेरे को डायमंड्स मिले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मेरे को ऑलमोस्ट मिले हैं 14 stack डायमंड्स। तो फॉर्चून ने तो बहुत अच्छा जो काम है वो करा है, और जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास ऑलमोस्ट मतलब 7 stack गोल्ड भी मेरे को मिला है। तो गोल्ड और आयरन तो मेरे को जितना मिल रहा था मैंने सब कलेक्ट करा है, पर रेडस्टोन और लैपिस लजूली मैंने बहुत ज़्यादा छोड़ा है, और डीप स्लेट भी मैंने बहुत ज़्यादा छोड़े हैं। तो अगर मैंने वो कलेक्ट करता ना भाई, इतने शल्कर बॉक्स ही नहीं थे मेरे पास कि मैं कलेक्ट कर सकूँ। तो अब जल्दी से मैं इन्हें सबसे पहले कलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस इस माइनिंग का हमारा जो मेन गोल था डायमंड्स माइन करने का, तो वो तो हमें अच्छे से हो चुका है। तो अभी मेरा जो एक प्रोजेक्ट है वो आना बाकी है, तो उसके लिए जो डायमंड्स है मैंने वो माइन करे है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास बहुत ज़्यादा डायमंड्स आ चुके हैं, और हमारी जो माइनिंग है वो मतलब अच्छी गई, ये भी नहीं कहूँगा कि बुरी गई, और ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी गई। तो आज की इस वीडियो के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।